नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मास्टर माइंड टेक में। एक नया वीडियो में लेके मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मोटरसाइकिल का डिस्क ब्रेक हम जब भी देखते हैं तो शायद आपके मन में सवाल आता होगा कि जो ये डिस्क ब्रेक्स में छेद होते हैं या फिर होल होते हैं, ये किस लिए होते हैं। तो कुछ लोग समझते कि होते हैं कि ये जो होल होते हैं इसमें एक मैकेनिज्म होता है जो ये होल में अटक जाता है और हमारा ब्रेक लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैं इस वीडियो में आपको रीज़न बताने वाला हूँ ये जो होल होते हैं उसके पीछे का। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये होल किस लिए होते हैं, इसका रीज़न जानने के लिए हमें पहले जानना होगा ब्रेक कैसे काम करता है, जो हमारे मोटरसाइकिल का या फिर कार का कह सकते हैं हम डिस्क ब्रेक जो है ये कैसे काम करता है। तो जब भी हमारी गाड़ी चलती है तो ये डिस्क घूमती है हमारे व्हील के साथ और हमारी गाड़ी भी चलती है। तो इसमें क्या है, जो गाड़ी चलती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब जो रोटेशन होता रहता है ना वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये जो ब्रेक की असेंबली होती है उसमें डिस्क ब्रेक लगे होते हैं, डिस्क लगे होते हैं। ये देखो, जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा इसमें इसमें जो पैड्स होते हैं ना वो नज़दीक आते हैं, मतलब जो ये पैड्स हैं ना ये हमारे डिस्क को ऐसे पकड़ के रखते हैं जोर से, तो इसमें हमारा ब्रेक अप्लाई होता है। तो जब भी ये ब्रेक पकड़ के रखते हैं तो इसमें फ्रिक्शन होता है हमारे डिस्क में और हमारे ब्रेक पैड में फ्रिक्शन होता है, मतलब ये फ्रिक्शन के कारण जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो हमारा टायर घूमता है या फिर हमारे डिस्क घूमती है, वो जो काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी मतलब जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में बदल जाती है। तो जो भी आपने साइंस में सीखा होगा, जो भी एनर्जी है वो मिटाई नहीं जा सकती या क्रिएट नहीं की जा सकती, तो जो एनर्जी है ये एक दूसरे में बदलती रहती है हर बार। तो जब भी हम घर में बल्ब वगैरह जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो लाइट में बदल जाती है, ऐसा ही होता रहता है। जब भी हम फैन जलाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, ऐसी ही एनर्जी एक दूसरी एनर्जी में बदल जाती है। तो ब्रेक में भी ऐसा ही होता है, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है ये हीट एनर्जी में बदल जाती है। तो हीट एनर्जी में बदल तो जाती है, लेकिन जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या है, ये डिस्क गर्म होती है हीट के कारण, क्या होता है गर्म होती है। और हीट ये डिस्क ज़्यादा गर्म हो जाए तो हमारे ब्रेक फेल हो सकते हैं या फिर ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण डिस्क ख़राब हो सकते हैं, या फिर ये जो असेंबली है इसमें जो बहुत से सील्स वगैरह होते हैं रबर के होते हैं, रिंग्स होते हैं वो रबर के होते हैं, ऑयल होता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसमें जो ऑयल है वो बॉयल हो सकता है, या फिर इसमें जो रबर वगैरह है वो ख़राब हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं या जल सकते हैं। इसके कारण ये डिस्क ठंडी होने के लिए इधर छेद दिए होते हैं। जब भी हमारी गाड़ी चलती है ना तो जो हवा है ये छेद में से गुजरती है और जो ये डिस्क गर्म हुई है उसे ठंडा करके जाते हैं। ये सिंपल सा एक रीज़न है ये होल देने का। तो कार में भी ऐसा होता है, जो भी हाई एक्सपेंसिव कार होती है, रेसिंग कार होती है, उसमें भी सेम ऐसी थोड़ी बड़ी डिस्क लगाई दी जाती है। तो हमारी जो रेगुलर कार है उसमें ये ऐसे छेद नहीं होते, उनमें क्या है बीच में छेद दिए हुए थे कंपनी ने। तो टू व्हीलर में इतनी ज़्यादा बड़ी डिस्क या फिर ज़्यादा थिक डिस्क नहीं दे सकते, इसलिए इन्होंने होल दिए हैं। तो आशा करता हूँ ये जो होल है इसके पीछे का कारण आप समझ गए होंगे, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।